आज से 5,000 साल पहले अरब सागर में डूब गई थी कृष्ण की द्वारका। देखे, गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16 सदी में प्राप्त हुआ। जन्माष्टमी के अवसर पर आप जानेंगे कि किस तरह से नष्ट हुई थी द्वारका नगरी। ऐसी है द्वारकाधीश की प्रतिमा। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा ने निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर में एक नया नगर बसा। या ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई द्वारका? इस सवालों का जवाब पाने की कोशिशें अब तक जारी हैं। समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। कृष्ण क्यों गए थे द्वारका? कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया, तब कंस के ससुर मगधिपति जरासंध ने यादवों को खत्म करने का फैसला किया। वे मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते थे, इसलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र रघुरुल की सलाह और ककुदमी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारका नगर कुशस्थली के स्वरूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने उजाड़ बनी नगरी को फिर से बसाया। कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। इसके बाद कृष्ण के परपोते वज प्रणाप द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों के अंतिम युद्ध में जीवित रह गए। द्वारका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारका आए और वज्रनाभ और अन्य जीवित यादवों को हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण का वज्रनाभ को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से मथुरा क्षेत्र को वज्रमंडल भी कहा जाता है। नौसेना और पुरातत्व विभाग का संयुक्त अभियान पहले 2005 और बाद में 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के कई अवशेषों का पता लगाया। समुद्र से कुछ ऐसे अवशेष भी बाहर लाए जिससे साफ हो गया कि द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने की बात पूरी तरह सच है। साल 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी के साथ जुड़े अभियान के दौरान समुद्र से विशाल पत्थर मिले। करीब 200 नमूने इकट्ठे किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्र विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन हे आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। कैसे नष्ट हुई द्वारका? वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हो गया तब समुद्र का जलस्तर बढ़ा, इससे विश्व के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग अब से करीब 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण आज से 5,000 साल पहले ही किया था, इसलिए द्वारका के हिमयुग के बाद डूबने की थ्योरी समझ से परे है। दो श्राप बने वजह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूबी थी। द्वारका के समुद्र में डूबने से पहले ही श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशी भी मारे गए थे। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप।
महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा।